children hope all of us are doing good the topic that we will study today is separation of substances and the things we will learn are why is separation required methods of separation and solution now pure substances are those which contain only one type of constituent particles for example iron copper salt sugar water etc on the other hand मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस इन एनी अमाउंट फॉर एग्जाम्पल इफ वी मिक्स शुगर एंड सॉल्ट वी ओब्टेन अ मिक्सचर सिमिलरली एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एट्सेट्रा तो कोई भी चीज़ जिसमें एक ही तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्योर है और जहाँ पे एक से ज्यादा चीज़ें मिक्स्ड हैं या एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया गया है वो क्या है मिक्सचर है नाउ व्हाई इज सेपरेशन रिक्वायर्ड सम प्योर सब्सटेंस इज मिक्सड विद सम अनवांटेड थिंग एज राइस इज मिक्सड विद स्मॉल स्टोन्स एयर इज कंटेंड विद कार्बन पार्टिकल्स एंड डस्ट टी लीव्स आर मिक्सड इन लिक्विड टी एट्सट्रा सो दीज अन विंगज आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़ इफ़ इम्प्योरिटीज़ आर नॉट रिमूवड सो मैनी पीपल में बिकम द विक्टेटल डिजीजेस देर फोर इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्राम अ मिक्सचर टू ओबेन प्योर सब्सटैसेज अगर हमारे जो प्योर सब्सटेंसेज हैं उनके साथ वो चीज़ें मिक्सड हैं जिनसे हमारी हेल्थ खराब होती है तो उन्हें हम अनवॉन्टेड चीज़ें या फिर इम्प्योरिटी कहते हैं और अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे प्योर सबस्टेंसेज नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं नाउ लेटस लुक एट द मैथ सेपरेशन मैथड यूज टू सेपरेट इम्प्योरिटी ऑफ अ मिक्सचर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी सो लेटस डिस्कस सम ऑफ द मैथडर सेपरेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मिक्सचर फर्स्ट वी हैव हैंड पिकिंग नाउ हैंड पिकिंग इज यूज वेन द इम्प्योरिटी टू बी सेपरेटिड फ्रॉम द मिक्सचर इज डिफरेंट इन कलर शेप एंड साइज

और उसको हम हाथ से निकाल सकते हैं तो अगर ये जो इम्प्योरिटी है ये थोड़े कम अमाउंट में है और जिस मिक्सचर को हमने साफ़ करना है वो भी कम अमाउंट में है तो हम हैंड पिकिंग की मेथड यूज़ करते हैं यानी कि अपने हाथ से ही वो इम्प्योरिटी निकाल देते हैं देन वी हैव सीविंग If the components of a mixture have different sizes, they can be separated by sieving. When this type of mixture is passed through a sieve, the smaller components pass through the holes of the sieve, whereas the larger component is left behind. Wheat bran is separated from wheat flour by this method. Pebbles from sand are also removed by this method. When sand mixed with pebbles are passed through a sieve, the fine sand particles pass through the holes, leaving behind. Pebbles, sieves are available in different hole sizes. Therefore, according to the size of the impurities, we need to separate. We can use appropriate sieves. तो दूसरा method क्या है? Sieving. इसमें क्या है कि जब दो चीजें अलग-अलग sizes की हैं। जिनको हमने अलग करना है तो उन्हें हम ऐसी किसी सीव यानी कि छालनी में से निकालते हैं तो जो छोटे साइज का कंपोनेंट होता है वो इज़ीली होल्स में से पास हो जाता है और बड़े साइज का पीछे रह जाता है और मिक्सचर में से ये दोनों कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं अलग अलग छलनियाँ आती हैं जिनके होल्स के साइजेस अलग अलग होते हैं तो पर्पज़ के अकॉर्डिंगली आप छलनी का इस्तेमाल करते हैं नाउ इट इज़ अ फैक्ट Wheat flour is separated with wheat bran by sieving. However, this practice is not considered as good because bran, which is removed during sieving, is very rich in nutrients as well as in fiber. Therefore, flour should be consumed along with bran. Now, let us look at churning. Churning is used to separate cream from milk, butter from curd, and to remove dirt from. क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन वन कर्ड इज चर्नड बटर इज सेपरेटेड एज अपर लेयर एंड द लोअर लेयर इज बटर मिल्क दस बाय चर्निंग लाइटर पार्टिकल्स ऑफ दस्पेंडेड सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्राम अ लिक्विड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन तो चर्निंग या सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसको यूज़ करके आप दही में से बटर अलग कर सकते हैं या मिल्क में से क्रीम अलग कर सकते हैं या अपने कपड़ों में से वॉशिंग मशीन में, में आ, मिट्टी मैल मिट्टी को निकाल सकते हैं नेक्स्ट वी हैव थ्रेसिंग वेन क्रॉपेस्टेड द ग्रेन्स नीड टू बी सेटेड फ्रॉम दर द ड्राइट स्टेम्स तो जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो उसमें जो ग्रेन्स है उनको जब आपने उसकी टहनियों से या स्टेम से निकालना होता है तो तब आप ये प्रोसेस यूज करते हैं थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप टू सेपरेट द ग्रेन्स इट इज ईदर डन मैनुअली बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ मशीन इन मैनुअल threshing, द पाइल ऑफ क्रॉप्स इज बीटन ऑन द हार्ड surface एज अ रॉक टू सेपरेट ग्रेन्स Sometimes मैनुअल threshing इज डन by क्रशिंग द harvested स्टॉक्स यूजिंग bullocks. Threshing इज also डन by यूजिंग machines लाइक द कम्बाइंड harvester. तो आप क्या करते हैं कि जो आपकी क्रॉप्स होते हैं आप उसको या तो हाथ से ही किसी हार्ड सब्सटेंस के अगेंस्ट मारते हैं जिससे कि ग्रेन्स अलग होकर बाहर निकल आते हैं या फिर आप कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ करते हैं Next, we have winnowing. After threshing, the grains obtained are mixed with seed coverings.

The solid particles which settle down at the bottom are called sediments. For example, when muddy water is allowed to stand for some time, then the mud settles down at the bottom and is called sediment. The liquid above the sediment is called the supernatant. Sedimentation ke process mein aapka ek solid or liquid ka mixture hota hai. जो इनसोल्यूबल सॉलिड है वो पानी में सस्पेंडेड होता है जब आप इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हैवी होने की वजह से नीचे सेटल हो जाते हैं उन्हें सेडिमेंट कहा जाता है और उसके ऊपर क्लियर लिक्विड आ जाता है जिसे सुपर नेटेंट कहा जाता है नाउ व्हेन द सुपर नेटेंट इज पोर्ड आउट इन अनदर कंटेनर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन अब इस मिक्सचर में नीचे के सेडिमेंट्स को हिलाए बिना अगर आप ऊपर का जो

A glass rod into another beaker without disturbing the layer of sand. Observation you will find that water is separated from the sand. Now, let us look at filtration the process by which two substances, in which one is soluble and another is insoluble, आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस इज कॉल्ड फिल्टरेशन तो अगर आपका ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स नहीं हो रहा है सोल्यूबल नहीं है तो आप उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं मैनी टाइम्स यू हैव सीन इन योर होम दट आफ्टर प्रिपेयरिंग टी इट इज पास थ्रू अ स्ट्रेनर since tea leaves are bigger than the holes in the strainer they are retained on the strainer so during filtration the insoluble solid remains on filtering device while the liquid passes through it many materials such as cotton glass wood and filter paper can be used as filters तो आपने देखा होगा कि अगर चाय बना के आप उसको छानते हैं स्ट्रेन करते हैं तो जो छलनी या स्ट्रेनर है उसके अंदर चाय की पत्ती रह जाती है और जो लिक्विड है वो नीचे आ जाता है इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं और कॉटन ग्लास वूल या फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए लेटस डू इट एम टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन मटीरियल रिक्वायर्ड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर फनल बीकर Flask and filter paper. So, procedure fold the piece of filter paper to make a cone. Set this filter paper cone inside the funnel, place the funnel into the flask. Pour the mixture into the funnel. Observation You will find that the sand is retained on the filter paper while the water is collected into the beaker. Now, let us look at evaporation. द प्रोसेस बाई विच अ लिक्विड चेंजेस इन टू अ गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन जब आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं अ मिक्सचर ऑफ soluble सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी सेपोरेटेड बाई इवेपोरेशन when this mixture is heated the liquid part of the mixture evaporates leaving behind the solid component this method is used to separate salt from the seawater seawater is collected in open shallow beds at high tide these shallow beds are called lagoons this water is heated in sun water evaporates while the salt is left behind तो इस प्रोसेस के लिए कोई एक ऐसा मिक्सचर लेते हैं जिसमें लिक्विड के अंदर एक सॉल्यूबल सॉलिड मिक्स होता है या डिजॉल्व होता है जब आप इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो जो लिक्विड पार्ट है वो इवेपोरेट होकर भाप बन के उड़ जाता है और पीछे सिर्फ एक सॉलिड कॉम्पोनेंट रह जाता है लेट लेटर्स लुक एट कंडेंसेशन कंडनसेशन इज द प्रोसेस बाई विच अ गैस चेंजेज इन टू लिक्विड वेन वाटर ऑफ अ मिक्सचर कन्वर्ट्स इन टू स्टीम ऑन हीटिंग इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू वाटर अगेन बाय कूलिंग इट तो जब आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है इवेपोरेशन में जो पानी मिक्सचर में से इवेपोरेट होता है आप उस स्टीम को कूल करके वापस से पानी या लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लेट अस डू इट Aim to demonstrate the phenomena of evaporation and condensation. Materials required a vessel, plate, ice, water, salt, burner, and bowl. Now prepare the salt and water mixture and pour it in the vessel. Heat the mixture continuously. You will see that steam is coming out of the vessel. Keep ice on the plate and hold this plate with the help of tongs at some distance from the vessel. Collect the dripping water in a bowl. Now, continue the process until steam stops coming out. You will see that the water and salt are separated by the process of evaporation and condensation. Now, think our own bodies contain examples of all the three states of matter. Can you identify them? Now, let us look at solution. Some solids mix completely in water. For example, when you mix salt or sugar in water, they disappear. Can you see the salt or sugar in water? Definitely not. This is because the salt is dissolved in water. Therefore, when a substance mixes completely in a liquid, it is called dissolving. जब कोई भी एक solid substance किसी liquid में पूरी तरह से घुल जाता है, तो इसको कहा जाता है dissolving.

ऑन द अदर हैंड सॉल्ट एंड शुगर कम्पलीटली डिजोल्व इन वाटर दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंसेज और जो चीजें पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाती हैं उन्हें सॉल्यूबल सब्सटेंसेज कहा जाता है द सलिड सब्सटेंस दैट डिजॉल्वस कम्प्लीटली इज कॉल्ड सोल्यूट वाइल द लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड इज डिजोल्व इज कॉल्ड सोलवेंट ऑल द रिजल्टिंग मिक्सचर ओब्टेंड आफ्टर डिजोल्विंग सोल्यूट इन सोल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन जो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में घुल जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं जिस लिक्विड में सॉल्यूट या सॉलिड सब्सटेंस घुल गया है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो रिजल्टेंट मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं नाउ लेट अस लुक एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन नाउ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन अमाउंट इन विच नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इफ वी कीप एडिंग टी स्पून if we keep adding teaspoonfuls of sugar to water and stir the solution continuously we will notice that after some time some grains of the sugar settle at the bottom of the solution it means no more sugar can be dissolved at this stage the solution has become saturated solution jis solution ke andar aap itna solute dissolve kar chuke hain ki aur zyada solute nahi dissolve ho sakta Usse hum saturated solution kehte let us do it to obtain solution of sugar and water materials required 1 teaspoonful of sugar a glass of water and stirrer procedure add sugar into the water and stir properly until all the sugar dissolves in water observation you will see that there is no remains of sugar in water conclusion you obtain the solution of sugar and water let us do it to show that different types of solutes dissolve in different amounts in their saturated solutions. Materials required sugar, water, salt, beakers, and stirrer. Procedure First add sugar in water spoon by spoon. Record the number of spoons of sugar that dissolved in water. Keep adding sugar until saturated solution is obtained. Now repeat the above procedure with salt. Observation. Now, note down the substances and the number of spoons required to obtain saturated solution with sugar and water. Conclusion It will be noticed that water dissolves different substances in different amounts. Let us take a quick recap. A number of methods are used to separate substances. Hand picking is the process in which impurities are removed by picking from hand. In sieving, Two substances are separated by using a sieve. Threshing is the process of separating grains from the stalks of crops. It is done either manually or using a machine. Now, winnowing is the process of separating chaff from the grains by letting the mixture fall to the ground from a height when the wind is blowing. Sedimentation and decantation are used to separate an insoluble solid from a liquid filtration is the process of removing solid impurities present in water conversion of a liquid into gas is called evaporation common salt is obtained from sea water by the process of evaporation conversion of a gas into liquid is called condensation a solid which can dissolve completely in a liquid is called solute the liquid which can dissolve a solid is called solvent Solution is the mixture obtained by dissolving solute in the solvent. A solution in which no more solid can be added is called a saturated solution. So, I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.